देसी कलाकार। नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकेबी न्यूज़ के देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। 22 मार्च एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और उसके सदमे में आज भी हम लोग हैं, जिसे हम सब लोग लॉकडाउन कहते हैं और कोरोना एक पैंडमिक। कोरोना ने कई सारी चीज़ों के मायने बदल के रख दिए, कई सारे लोगों के बिजनेस बदल दिए और इस दौरान सबसे ज़्यादा कोई चर्चा में रहे तो वो रहे OTT प्लेटफॉर्म्स। और सभी OTT प्लेटफॉर्म्स में ना धड़ल्ले से फिल्में आने लगी और लोग भी धड़ल्ले से उन्हें देखने लगे। जहाँ पर हम लोग 2 घंटे की फिल्म देखने के लिए बीच में एक बार उठ जाते थे, लेकिन OTT पे लोग 9-9 घंटा नॉनस्टॉप रात भर जाग कर फिल्में देखा करते थे। और मैं कहूँगा, वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होता है। और ऐसा ही कुछ अच्छा हुआ हमारे नागपुर के एक कलाकार के साथ। मैं कहूँगा एक नया नाम, एक नई पहचान और एक नया काम उन्हें मिला, और इसीलिए आज के इस देसी कलाकार इस प्रोग्राम में खास मेहमान हमारे साथ। और ये सारी बातें मैंने क्यों की, अगर जब इनका परिचय हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हमारे साथ है प्रेम धीरल जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम धीरल जी। नमस्ते। तो प्रेम जी, मैंने कहा कि OTT ने दुनिया ही बदल दी, जहां 2 घंटे की फिल्म नहीं देखते थे लोग, आजकल 9-9 घंटे की वेब सीरीज देख लेते हैं। ये इसीलिए क्योंकि एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और इस लॉकडाउन के दौरान ही इन्होंने 4 वेब सीरीज़ की, कुछ वेब सीरीज जो है उनकी आने वाली है और इन्हीं के बारे में हम उनसे जानेंगे और ढेर सारी बातें आज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियाँ जो है इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और मेरे ख्याल से प्रेम से अच्छा कोई और हो नहीं सकता। और उनके जीवन के बारे में, इस वर्किंग कल्चर के बारे में हम जानेंगे। तो पहला सवाल तो यही है प्रेम भाई आपसे कि शुरुआत कैसे रही, कैसे आपने सोचा कि चलो एक्टिंग करते हैं और इतने कम समय में इतना सारा काम कैसे कर लिया? आपको बता दूं कि एक्टिंग फील्ड या अपने विदर्भ और अपने नागपुर जोन में जितने भी लोग हैं कि ये फील्ड में जाना चाहते हैं, और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि ये फील्ड एक्चुअली लोग पसंद नहीं करते अमोल जी। बॉलीवुड जिस तरीके से अपने को दिखाया जाता है कि बॉलीवुड में ऐसा होता है या इस तरीके से होता है, तो एक बैड छवि जो है और एक अच्छाई, ये दोनों मिलके अपने सामने प्रेजेंट होते हैं जब भी। तो अपने घर के लोग तो यही कहते हैं कि बॉलीवुड क्षेत्र जैसे सिंगिंग, एक्टिंग या रिदमिस्ट जितने भी कलाकार हैं तो उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है अपने घर में, अपने फैमिली में। पर जो जुनून होता है ना, जो दिल में आग होती है, यही इंसान को आगे बढ़ाती है, एक आर्टिस्ट बनाती है या फिर एक सिंगर बनाती है। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो पहले से था और आज भी है और आगे भी रहेगा करके मैंने स्टार्टिंग में कैसा है कि फिल्म के काम शुरू कर दिए थे हमने, जैसे मेरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं फिल्म लाइन में। और आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि लॉकडाउन में जिस तरीके से लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म के पे जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, आपको भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, सभी लोगों को नहीं थी। देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म के तरफ रुझान तभी आया ज़्यादा लोगों का कि घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। पर देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म में या OTT प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ, नहीं तो 2 साल घर में बैठना पॉसिबल नहीं था, है ना। तो देखा जाए तो एक लॉकडाउन में लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए। जैसे अपने OTT प्लेटफॉर्म गिने चुने OTT प्लेटफॉर्म हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेजोन हो गया और MX Player। देखा जाए तो MX Player पे ज़्यादा हमने फिल्में देखी है, क्योंकि MX Player ये फ्री में अवेलेबल होता है, राइट? हाँ, बाकी सारे लोगों की अपने पे करना पड़ता है। तो आमतौर पे लोगों ने कैसा MX Player पे ज़्यादा रुझान दिए देखे हैं, क्योंकि अमेजोन पैसे लेके डिस्प्ले होता है, राइट, और हॉटस्टार भी। पर MX Player इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म है, अपने इंडिया का OTT प्लेटफॉर्म है, अमेजोन तो बाहर का है, नेटफ्लिक्स भी बाहर का है। तो MX Player पे जितने फिल्में लॉकडाउन में आई है, उतने फिल्मों में एक बहुत अच्छा एक सीरीज़ आया था समांतर, आपने देखे होंगे शायद, सर इसका, स्वप्निल जोशी। हाँ, स्वप्निल जोशी। तो मराठी हो या फिर हिंदी हो या फिर हॉलीवुड के फिल्में MX Player पे है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरे ज़िंदगी की जर्नी फिल्मों की तरफ इसलिए रही है कि पहले से कैसा एक्टिंग के तरफ मेरा
ज़्यादा फोकस था कि मैं एक्टिंग करूँ, और काफ़ी लोगों ने बोला था मुझे कि नहीं यार प्रेम, आपके अंदर है वो चीज़ें, आपने करना चाहिए। तो हमने पहली फिल्म बनाई भा, जो भा फिल्म हमने बनाने के बाद में रिलीज़ की है MX प्लेयर पे, जो हमारे लिए उपलब्धि थी, और विदर्भ जोन में या फिर महाराष्ट्र जोन, महाराष्ट्र में, कि मराठी फिल्म को, पहली फिल्म को रिलीज़ करना एक कंपटीशन कहा जाता है, कि पहली फिल्म किसी की रिलीज़ होती नहीं है बड़े तौर पे, थोड़ा टाइम लगता है, पर हमारा जो वो अचीवमेंट था कि हमने उसको अच्छे तरीके से बनाया है और MX प्लेयर पर रिलीज़ किया है। उसके बाद में हमने अभी छूत्या पा, उसके बाद हमने समकाल, और उसके बाद बेरा, ये मैंने 4 फिल्में की है। तो फिल्में बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको रिलीज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जी ऑफकोर्स, एक्चुअली फिल्में तो अपने विदर्भ में काफ़ी है, हमारे विदर्भ इसमें डायरेक्टर है, एक्ट्रेस है, प्रोडक्शंस है, पर बनाने के बाद में उसको किस तरीके से रिलीज़ करना चाहिए, या किस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करना चाहिए, फिर थिएट्रिकल जाना चाहिए, तो वो बना तो लेते हैं पर रिलीज़ नहीं कर पाते। हमारे प्रोजेक्ट में एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ऐसा था कि हमको बनाना भी है, बनाने के बाद में उसको रिलीज़ भी करना है अच्छे तरीके से। तो हमने पॉसिबल करके दिखाया कि मराठी फिल्म को बनाने के बाद में उसको रिलीज़ किए, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किए, देन फिर ये लॉकडाउन का समय जाने के बाद में थिएटर जैसे ओपन हो जाएंगे, तो भाव फिल्म जो हमारी मराठी फिल्म है जो MX प्ले पे रिलीज़ हो गई है, तो वो भी रिलीज़ हो जाएगी थिएटर पे। तो OTT प्लेटफॉर्म पे जब हम फिल्म रिलीज़ करते हैं तो उनको पूरे राइट्स देना ज़रूरी नहीं है, वो राइट्स अपने हाथ में भी होते हैं, जो फिल्म मेकर होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, तो उनके हाथ में भी उसका पूरा कारोबार होता है, कि वो MX प्लेयर पे या फिर कोई अदर OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने के बावजूद भी वो थिएटर में रिलीज़ कर सकते हैं, वो पावर उनके हाथ में होती है। और दूसरी बात, ये पहली फिल्म होने के बाद अभी कुछ दिनों बाद मेरी हिंदी फिल्म है जो छूत्या पा, काफ़ी कॉमेडी फिल्म है, और काफ़ी तरीके से उसको लोग पसंद करेंगे। एक्चुअली कारण ये है कि उसमें नॉर्मल लैंग्वेज है, जो जिस तरीके से हम हमारे विदर्भ में विदर्भ की बोली भाषा का इस्तेमाल किया है, विदर्भ में जिस तरीके से बोली जाती है या फिर स्लम एरिया में जिस तरीके से बोली जाती है, तो रफ लैंग्वेज हमने उसमें यूज़ किया है। और कंटेंट बेस्ड इम्पॉर्टेंट है उसमें, कि बेस उसका ऐसा है कि खजाना, जिस तरीके से खजाना में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे नानी दादी अपनी कहानी बताती थी पहले, कि एक समय था कि उसमें पूर्वजों ने खजाना छुपा के रखे हैं या इसके अंदर डाल के रखे हैं। तो आज के स्थिति में जो लोग पाखंड टाइप का जो करते हैं कि इसके घर में खजाना है या फिर ये पेड़ के नीचे खजाना है, तो अपन पूजा पाठ करो, एक बेवकूफ बनाते हैं, शॉर्ट, हाँ, तो वो चीज़ें पूरी फिल्म में डाली है। और वाकई में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि वो फिल्म जल्द से जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है, तो आप देखें, ज़रूर देखें। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मूवी है समकाल, जो हॉरर बेस्ड फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है, वो भी कुछ दिनों के बाद में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। उसके बाद देन लास्ट फिल्म मेरी है जो 4 बेरा मैंने किया है, बेरा, वो प्रोड्यूसर के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा बजट लग गया उसमें, बेरा में, और उस तरीके से उसका बजट जाना ऑब्वियसली ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट है उसमें, लगभग 25-30 आर्टिस्ट है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको। और बेरा में ऐसा है कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो हैदराबाद के हैं, और आधी टीम मुंबई की, आधी टीम रायपुर की, और आधी टीम नागपुर की, ऐसा कुल मिला के एक प्रोफेशनल एक फिल्म जिस तरीके से बनना चाहिए, जैसे आप देखते हो, हम देखते हैं कि सलमान खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म, मसाला फिल्म और बिग बजट फिल्म जो ऑन स्क्रीन दिखता है, उस टाइप में या उस तरीके से हमने वो बेरा फिल्म बनाया है। और मैं, अमोल भैया ने जिस तरीके से बताया कि एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं यही बताना चाहूँगा लोगों को कि एक्टिंग फील्ड या कोई भी फील्ड, अपने फील्ड में कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता है। आप में लगन हो तो ऑब्वियसली आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको वो अचीवमेंट मिलेगा, फिर कोई भी फील्ड हो, फिर वो एक्टिंग फील्ड हो, सिंगिंग फील्ड हो, या फिर अदरवाइज कोई भी फील्ड।
मेरा पहला सवाल यही है, मतलब हो तो गया लेकिन अब दूसरा पूछता हूँ कि मेरा सवाल ये है आपसे, पहली फिल्म कैसे मिली आपको, वो कैसे आई आप तक, या आप उस तक गए, ऑडिशन वगैरह दिए थे? जी, एक्चुअली वो फिल्म का एक यादगार पल है मुझे कि मेरे दोस्त है सईद अख्तर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रेम भाई एक मराठी फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो आप एक्टिंग करोगे उसमें? मुझे लगा कि हाँ ठीक है ना, मुझे लगा कि एक लीड एक्टर तो नहीं होगा, मैं साइड रोल होगा मेरा कुछ, तो नहीं बोले लीड रोल करना है आपको, बोला ठीक है चले, तो आपसे होगा? तो मैं बोला प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मराठी में, पर फिर भी मैं चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं मेरा बेस्ट देता हूँ। तो बोले आपको वर्कशॉप करना पड़ेगा, बोला ठीक है चलेगा। तो वो मुझसे मिलने आए, मुझे स्टोरी पूरी तरीके से पढ़ के बताया, मुझे काफ़ी पसंद आया। एक्चुअली वो कंटेंट ऐसा था ना कि एक अवार्ड जोन वाली कंटेंट था कि एक पुअर इंसान होता है, उसका बेटा होता है, वो कितनी जद्दोजहद करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और किस तरीके से वो पूरा जद्दोजहद करते करते अपने बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी वो उसमें हार जाता है। तो उस तरीके से पूरा कंटेंट था वो, तो भी मेरा चैलेंज था कि मुझे करना था। मैंने कहा हाँ कि ठीक है सईद भाई, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्कशॉप करते, तो हमने 2-3 दिन वर्कशॉप किए। उन्होंने उनको भरोसा था, पर जो पैसे लगाने वाले लोग थे या फिर जितने कलाकार थे प्रोड्यूसर्स, हाँ उनको डाउट था क्योंकि मेरा रहन सहन अलग है, मेरा एटीट्यूड अलग है, तो वो फिल्म में कैसा रहेगा भाई इनका, तो वो इनको मैच नहीं करेगा। तो मैंने एक चीज़ कहा था उनसे कि मेरा पहला शॉट, मेरा फिल्म का पहला शॉट आपको पसंद नहीं आएगा तो मुझे फिल्म से बाहर कर देना, आप दूसरे एक्टर को ले लेना। तो ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी उनको कि नहीं यार, खुद होके ये बोल रहा है तो एक पहला शॉट लेके देखते हैं इनका। तो पूरा सेटअप हुआ अपना, बोरखेड़ी करके है एक गाँव बुट्टेबुरी साइड में, तो वहाँ पर 15-20 दिन के लिए हम बैठ गए जाके, 25-30 लोग शूट करना था। तो पहला शेड्यूल लगा, मुंबई से मेरी को आर्टिस्ट आए, वो थे सभी थे मुंबई से कुछ, आपने देखे होंगे तुम्बाड़ फिल्म, देखे राइट राइट, तुम्बाड़ में कुछ आर्टिस्ट है वो भी हमारे भाव में हैं, तो वो भी आए, वो भी शेड्यूल के सामने खड़े हो गए। मेरा पहला सीन था जिंदगी का, मुझे करना था, और पहला ही सीन डायरेक्टर ने ऐसा लगाया कि आपको रोते रोते ये एक डायलॉग बोलना है। तो हम हंसी मजाक कर रहे थे, सब बातें बातें कही, तो ठीक है बोले शेड्यूल लग गया, शॉट लग गया, आप खड़े हो जाओ, मेकअप वेकअप करके मुझे खड़ा कर दिया। और पूरा गांव जो था वो पूरा पहले शूट कहने के बाद तो उनमें उत्सुकता रहती है, तो वो सब ऐसे देख रहे थे कि यार ये क्या बोलेगा क्या करेगा। तो मुझे को आर्टिस्ट के सामने आके मुझे कहना था कि रोते रोते कि ये देख आज तक हमने जो किया है का, आजपर्यंत अपन जे काही केलं कष्ट घेतले थे सगळं व्यर्थच, इतना बोल के मेरे आँखों से पानी निकालना था मुझे। एक्चुअली वो क्या ग्लिसरीन लगाना नहीं था मुझे, एक्चुअल मुझे नहीं लगाना था, था सेट पे। मैं बोला मेरा जिंदगी का पहला शॉट है ये, तो मैं रियल देना चाहता हूँ। तो मैंने जिस तरीके से बोला तो पहला ही शॉट ओके रहा, सबने तालियां बजाए, और उसके बाद कुछ भी नहीं बोला किसी ने। पूरी फिल्म शूट हो गई, उसके बाद एडिट हो गई, और अभी IMAX प्लेयर पे रिलीज़ हो गई। कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर जो चीज़ रही ना, तो उसको वो कहते हैं ना कि थाम के साथ में दिखाओ लोगों को कि नहीं मेरे में काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ। तो यही चीज़ हर आर्टिस्ट के इसमें लगता है कि करना चाहिए उन्होंने, फिर वो छोटा आर्टिस्ट हो या फिर बड़ा हो। तो ऐसी भाग की स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है, आपने देखना चाहिए वो फिल्म IMAX प्लेयर पर। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। मैं ये कहूँगा कि पहुँच तो गए, पहला शॉट भी हो गया, तो वो जो सफ़र रहा है, वो पहले शॉट तक का वो कैसा रहा, थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि यहाँ से चालू है, एक उम्र का एक पड़ाव आपने क्रॉस कर लिया और उसके बाद ये पहला शॉट मिला और अब तो काम चल रहा है ऊपर वाले की दया से, तो वहाँ तक पहुँचने वाली जर्नी कैसे रही? जर्नी अमल भाई, मैं आपको बताऊँ ना, मेरी ज़िंदगी का काफ़ी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था, कॉलेज में मैंने ऐसे गैदरिंग होती है तो काफ़ी एक एक गुड ऐसा डांस प्रेजेंट करते हैं आपके कॉलेज में या किसी की भी कॉलेज में, तो मुझे भी काफ़ी पहले से डांसिंग का शौक़ था, सिंगिंग का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था, पर मुझे डांसिंग में ज़्यादा ग्रोथ मज़ा आती थी, मज़ा आता था। तो डांसिंग सीखने के लिए हम हैदराबाद गए, हैदराबाद में डांस क्लासेस मैंने सीखा, मैंने डांसिंग सीखा। उसके बाद मैं बेसिक चंद्रपुर से हूँ, तो चंद्रपुर में मैंने डांस क्लासेस सिखाया 3-3.5 साल एज अ टीचर। तो उसके बाद फिर मैंने देन सिंगिंग फील्ड में ज्वाइन हुआ, सिंगिंग किया, उसके बाद फिर काफ़ी सारे एल्बम्स बनाए, एल्बम्स में एक्टिंग। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ कि मैं एक्टिंग की तरफ रुझान मेरा कैसा हुआ, कि मैंने कुछ एल्बम्स बनाए, सॉन्ग्स बनाए हिंदी सॉन्ग्स, तो वो अल्ट्रा बॉलीवुड से रिलीज़ किया, तो उसके ऑनर है जयश्वीरा, आपने नाम सुना होगा बराबर, तो जयश्वीरा नागपुर आए थे कुछ साल पहले, तो वो मुझसे मिलने बुलाए उन्होंने, तो बोला ठीक है, तुली होटल है अपना, वहाँ पर रुके हुए थे वो, उन्होंने बुलाया मुझे। प्रेम बोले क्या कर रहा है, मैं बोला सर मैं घर में बैठा हूँ, तो आ जाओ ना बोले मिलने, तो मैं बोला मुंबई कैसे आऊँ अभी क्या, नहीं बोले मैं नागपुर में हूँ, आप नागपुर में आए, तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने देखा ऐसे बात किए, यार बोले प्रेम तू सॉन्ग्स बनाता, बोले तू फिल्म बना यार, बोले तेरा जो फेस कट है ना वो एक्टर का है, बोले ना कि आप छोटे मोटे गानों के लिए ये कर रहे हो, तो वो बात इतनी चुभ गई थी ना मुझे, मैं बोला यार इतना बड़ा इंसान ऐसा कैसे बोला। मैं वाकई में लिटरली बता रहा हूँ कि मैं 10-15 दिन सोते समय वही चीज़ मेरे दिमाग में, ऐसा क्यों बोल दिया, उन्होंने क्यों ऐसा बोला। एक्चुअली उनको मिलने के लिए 4-5 लोग भी आए थे अलग अलग से, तो उन्होंने जैसे जैसे देखे ऐसे बैठा मैं उनके पास, तो बातें करते करते बोले आप ये गाने बनाना छोड़ दो, बोले आप फिल्म बनाओ, आप फिल्म में ट्राई करो, तो वो बात चीज़ मेरे अंदर थी, मेरे दिलो दिमाग में छप गई थी वो। उसके बाद फिर जैसा मुझे ऑफर आया कि मुझे फिल्म करना है, तो फिर और दिन मैंने ज़्यादा मेहनत करना चालू किया, एक्टिंग पे फोकस करना चालू किया। नागपुर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे फिल्में बनती हैं, हमारे विदर्भ में भी फिल्में बनती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नागपुर में या फिर विदर्भ में प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम है, 4 फिल्में कर ली, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेट पे लोग टाइम पे नहीं आते, कैमरा प्रॉपर नहीं लगता है, शेड्यूल लंबा हो जाता है, बजट कम रहता है, फिर बजट बढ़ जाता है एंड तक, तो आपने जब 4 फिल्में कर ली तो बहुत कुछ देख लिया होगा इर्द गिर्द दाएं बाएं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ अमोल भाई, ज़रूर ज़रूर, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है ना अपने नागपुर के लिए या अपने विदर्भ के लिए, कैसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी फिल्में बनती है, काफ़ी सारे, ऐसा पकड़ के चलिए कि साल में 50-100 फिल्में बन जाती है, पर अपने को पता नहीं रहता, कोई कहीं और बनाते रहा या कहीं और बनाते रहा, मराठी बनती है, हिंदी बनती है, राइट। पर यहाँ का प्रॉब्लम एक ही है कि आप जॉब पे हो, यहाँ के डायरेक्टर जॉब पे है, अच्छा अपने विदर्भ के या अपने नागपुर के जॉब पे है, जॉब खत्म करने, हाँ, खत्म करने के बाद में वो सेट पे आते हैं, शूट करते हैं या फिर 10 दिन का वो छुट्टी लेते हैं फिर करते हैं, पर फोकस उनका वो डायरेक्टर कहीं और है, बराबर, तो वो प्रॉपरली वो जो चीज़ निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाती, वो नहीं निकलती, फिर वो चीज़ें सभी को लागू है, फिर वो छोटे से छोटा कलाकार क्यों टेक्नीशियन कि जैसा साउंड इंजीनियर बोलो या फिर वो लाइट मैन बोलो या जो भी है, वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं इधर उधर, जब उनको फिल्म का काम आता है तो वो छोड़ के इधर आते हैं, अच्छा, तो
प्रोफेशनल जो चीज़ें होती है वो ऐसे नहीं होती। अभी मैं टोटली एक्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक्टिंग 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 एक्टिंग, तो मैं उतना कॉन्सेंट्रेट दे सकता हूँ उसमें कि नहीं वाकई में मुझे क्या करना है, मुझे क्या देना है या मुझे और कितना डेवलप करना है इसमें। पर अपने नागपुर में एक प्रॉब्लम ऐसी है कि काफ़ी लोग फिल्में बना लेते हैं और बनाने के बाद बन जाती है, वो घर में पेटी में डाल देते हैं, ताला लगा देते हैं और बता देते हैं लोगों को कि हमने फिल्में बना ली, और जब मनो खुद देख लेते और मुस्कुरा लेते, बस 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 बस। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे फिल्म ऐसी नहीं बनती कि इसको उठा के हम कोई प्लेटफॉर्म पे लेके जाए तो वो रिलीज़ करे या कोई कंपनी को जाए तो वो रिलीज़ करे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि फिल्म बनाने का बजट अलग, प्रमोशन का अलग और रिलीज़ का अलग होता है। राइट राइट। तो ये चीज़ें हैं कि अपने विदर्भ में या अपने नागपुर में फिल्में तो बन जाती है पर प्रेजेंट सही तरीके से नहीं होती है। यहाँ पे बना लेते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फिल्म बना रहे हो, अमोल भैया बना रहे हैं फिल्म, बनाने के बाद में आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं पहाना छोटा सा रोल होगा ना मेरा, हाँ, तुमको डाल देते हैं, बराबर। या फिर सिंगिंग की बारी आई या फिर सॉन्ग की बारी आई तो मेरे फलाना 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 है वो बहुत अच्छा गाता है उसको उसको गवाओ, और आप पैसे लगाने वाले हो तो ना भी नहीं बोल सकते कोई। राइट। तो ये चीज़ है, पर मेरे कंटेंट में या मेरे फिल्मों में ऐसा नहीं हुआ। ऑब्वियसली हमारे जितना जितने लोग थे हमारे फिल्म बनाने में उनमें से काफ़ी लोग सिंगर थे, पर उनसे नहीं गवाया हमने, आदर्श शिंदे से गवाया। मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, मैंने नहीं गाया, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरा जो काम है मैं उतने बस उसको मैं फोकस रखूँ ना, उसमें मैं थोड़ा सा तवज्जुब दूँ उसको। पर यहाँ के लोगों को वैसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि फिल्म बना लेते हैं, एक CR, दो CR, तीन CR लगा लेते हैं, अच्छा खासा बजट लगाते हैं जो यहाँ के लेवल में बहुत है। हम लेकिन इनपुट उतना नहीं आता, नहीं नहीं आता, यहाँ पे रिलीज ही नहीं होती। गिने चुने उंगलियों पे है कि यहाँ के कुछ फिल्में हैं जो रिलीज हुई है, बाकी नहीं। पर हमारा ये हमारी टीम की ये कोशिश है कि हमने चार फिल्में बनाए तो चारों को अभी धीरे धीरे करके उसको प्रेजेंट करें, उसको पब्लिश करें और लोगों तक आए। वही तो हमारा चीज़ रहती है ना कि हम बना किसके लिए रहे, हम लोगों तक अपने कंटेंट को नहीं पहुंचा पाए तो हम एक्टर ही नहीं है या हम डायरेक्टर नहीं है ऐसा। ये कहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि साइनिंग अमाउंट थोड़ा अलग होता है, हाथ में बहुत अमाउंट अलग आता है, ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि जब प्रोजेक्ट मिलते रहता है तो बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, प्रोजेक्ट खत्म होने तक लोग बातें भी भूल जाते हैं। चार वेब सीरीज की तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया कि जितना साइनिंग अमाउंट था उतना मिल गया? नहीं एक्चुअली ना यहाँ पे अमाउंट ही नहीं मिलता भाई, रियल फैक्ट। यहाँ का बजट ऐसा होता है ना कि पूरा टोटली कैमरामैन और लाइट्स में चले जाते हैं और बाहर से जो कलाकार हम बुलाते हैं उनमें चले जाते हैं, पर लोकल जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनके लिए बजट ही नहीं रहता, उनको बस इतना फ़ोन जाता है या फिर ऑडिशन होता है कि आपको काम करना है तो आ जाइए, आ जाइए, पर आपको पे नहीं करा जाएगा इससे। तो इससे थोड़ा सा मॉरल डाउन हो जाता है, मॉरल डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम बाहर के आर्टिस्ट को कुछ पेमेंट करते हैं तो यहाँ के भी आर्टिस्ट को करना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो वो भी वजह है एक, और देखा जाए तो यहाँ पे कैसा है कि बजट ही नहीं होता, फिल्म का बजट ही नहीं, बजट वाकई में बजट नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि हमने 50 लाख कहा है या फिर 1 करोड़ कहा है तो 1 करोड़ में फिल्म बनना चाहिए, वो 1 करोड़ देखा जाए तो कोई बजटिंग नहीं होता है तो वो 2 करोड़ तक जाता है, या फिर हमने 50 लाख बोला है तो 50 लाख तो होता ही नहीं है, वो स्टार्टिंग में 30 तक चले जाता है तो बाद में फिर उसको खींचते खींचते 1.5 CR तक चले जाता है। तो यहाँ पे बजटिंग का बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता। हाँ ये डायरेक्ट फ्लोर पे आ जाते हैं शूट, हाँ, के लिए, जैसा मुंबई में पेपर वर्क होता है कि एग्जैक्ट कितना पेमेंट जा रहा है, कितना पेमेंट कितना होगा, खाना कितना लगेगा, लोकेशन पे लोग कितने रहेंगे, कुछ भी नहीं आएंगे, कैसे आएंगे। वाकई में अपने नागपुर में या अपने विदर्भ में फिल्में बनती है ना, बिल्कुल स्टडी नहीं है उनकी, बस प्रोड्यूसर मिल गया, हाँ हाँ करो 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 करो, हाँ फिल्म फिल्म फिल्म, पहुँच जाओ शूट कर लो, आधा शूट करो नहीं करो, और घर में तो रखना है ना फिल्म को, खूब इंजॉय कर लो और रख लो। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वाकई में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनमें टैलेंट है, पर बस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये पूरा, वैसे भी एंटरटेनमेंट फील्ड नागपुर की बहुत बदनाम है, मुंबई में आप जाओ लोग आने को डरते हैं, वाकई में काम नहीं करना चाहते हैं। मैं जब
गया नागपुर, नागपुर से मुंबई, तो मुंबई में जिस तरीके से लोगों से मिलता हूँ कि हाय हेलो मैं प्रेम दिराल, मैं नागपुर से हूँ, तो ऐसे देखते हैं आप नागपुर से हो, तो ज़्यादा बात नहीं करते ना, वाकई में नहीं करते। उनको ऐसा क्या फील होता है, क्या लोगों ने किस तरीके से इसका चेहरा बना के रखा है नागपुर का, और वाकई में बड़े से बड़े कलाकार यहाँ पे आने के लिए पहले हिचकिचाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नागपुर में कलाकार नहीं है, नागपुर में कलाकार बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पे जिस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए या प्रेजेंट करना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। चार वेब सीरीज आपने के लिए, सबसे फिल्म्स तो सबसे खास कौन सी रही, आपके नज़दीक कौन सी है सबसे, जो करने में बहुत मज़ा और आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, ये जब आएगी और लोग देखेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। अमोल भैया, मुझे ना वाकई में बता दूँ, मुझे चारों फिल्में करने में मज़ा आया, क्योंकि चारों कंटेंट कैरेक्टर अलग थे, बेस अलग था। भाव फिल्म मराठी करना था मुझे, तो देहाती टाइप का कैरेक्टर था मेरा, कि स्टार्टिंग मेरा रोने से होता है और मैं ख़त्म भी रोने पे हो रहा है। स्टार्टिंग पूरे फिल्म में मैं रो ही रहा हूँ, मेरा जब भी शक्ल दिख रहा है स्क्रीन पे तो मैं रो ही रहा हूँ। अच्छा, मैं बीवी के सामने रो रहा हूँ, मैं बच्चे के सामने रो रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल के सामने रो रहा हूँ, लोगों के सामने रो रहा हूँ, और रोते रोते मेरा स्टार्टिंग हो रहा है रोते हुए और ख़त्म हो रहा है रोते हुए। तो वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेरा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। उसके बाद मेरा छुत्यापा, जो भाईगिरी टाइप का थोड़ा, जो स्लम बस्ती का लड़का है, जो उसको खाली टपोरी गिरी करना है, ए क्या वो क्या कर रही हो तू यहाँ पे, उस टाइप का कैरेक्टर था, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे वो करने के लिए छुत्यापा में। उसके बाद मैं समकाल जो है मेरा थ्रिलर साइको पैटर्न का, तो वो टफ था क्योंकि मुझे साइको करने में काफ़ी सारी दिक्कत हुई, क्योंकि एट अ टाइम फेस कट या फेस एक्सप्रेशन चेंज करना था मुझे, जैसे मैं आपके तरफ हंसते हुए देख रहा हूँ तो एकदम से इधर ऐसा करके कर रहा हूँ, तो वो फ़र्क होता है थोड़ा सा, तो चेहरे के हाव-भाव करने में काफ़ी इंटरेस्ट आया मुझे वो करने में। उसके बाद है बेरा चौथा, वो एंग्री मैन टाइप का है, कि फिल्म के पहले से लेके तो लास्ट तक मेरा एंग्री, हाँ जी, एंग्री टाइप का किरदार है। तो चारों कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंस थे और काफ़ी मज़ा आया मुझे करने में। एक्चुअली मैं खुद पे प्राउड फील करता हूँ कि मुझे चारों फिल्म अलग अलग कैरेक्टर की करने मिला, नहीं तो कैरेक्टर तो आपको एक साइड रोल मिल जाता है कहीं तो कहीं, आपको जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आपको कैरेक्टर नहीं मिलता। पर वाकई में मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कैरेक्टर करने मिले, मुझे मराठी करना मिला, मुझे हिंदी में टपोरी बनना बनने के लिए मिला, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, मुझे बहुत। मैं कहूँगा सफ़र शुरू होता है तो कभी ना कभी ज़रूर अंजाम तक पहुँचता है, सफ़र तो शुरू हो गया, ज़रूर कभी ना कभी एक अंजाम तक पहुँच जाएगा। बहुत सारे सपने होते हैं हमारे, शायद आपने भी कभी सपना देखा होगा कि मैं एक्टर बनूं, मेरी फिल्म लगे हैं। अभी कौन सा ऐसा सपना है, अभी तो नागपुर में काम कर रहे हैं, नागपुर के बाहर भी काम करें, तो मुंबई मुंबई में किसी से बात होती है, कोई बोलता आओ हमारे साथ काम करो, या फिर जाने की तैयारी शुरू है अभी? जी ज़रूर, ऐसा है कि फील होता है कि काम करते रहे खाली, और कहीं ना कहीं मुंबई से कॉल आए, मुंबई में ऐसे जाना होते रहता है और कंपनी से बातें होती रहती है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं कि उनसे बातें होती रहती है, पर खुद होके काम मांगना और अपने टैलेंट को काम देख के देना, ये फ़र्क होता है, डिफरेंस। मैं कॉल करूँ किसी को या मुझे कोई फिल्म में ले लो आप, तो वो ऑब्वियसली मुझे काम मिल जाएगा, पर मेरे मन को वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे काम को ऑब्जर्व करके या मेरे काम को देख के मुझे कोई फ़ोन करे कि प्रेम आपके लायक रोल है, आपके लिए रोल है, तो आप आइए। जी सर, तो मैं ये चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं, कि किसका ख्वाब नहीं होता है कि बड़े सपने देखे। ज़रूर ज़रूर, हर किसी को अधिकार है सपने देखने का। कौन सी जॉनर की फिल्में आपको पर्सनली पसंद है, और सिर्फ इंडियन बॉलीवुड ही देखते हैं कि और भी कोई बाहर की फिल्में भी देखते हैं, क्योंकि जनरली एक्टर्स बाहर की ईरानी फिल्में वगैरह देखना बहुत पसंद, तो आप सिर्फ बॉलीवुड देखते हैं, मराठी देखते हैं कि और भी कोई? नहीं, मैं कैसा है अरुण जी, मैं बताऊँ आपको कि साउथ बहुत ज़्यादा है अभी, साउथ में जो ग्रोथ है फिल्मों का, बेस जो रहता है उनका, या टेक्निकली जितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो शायद ही बॉलीवुड है अभी, right, क्योंकि पूरे चीज़ें उनके उनसे copy. देख के कॉपी करके कर रहे हैं वो। और देखा जाए तो हॉलीवुड का तो कोई हाथ नहीं पकड़ता, तो मैं ज़्यादातर, मैं अभी काफ़ी साल हो गया मैं बॉलीवुड के फिल्में नहीं देखता हूँ, लिटरली मैं नहीं देखता हूँ, मैं कंटिन्यू साउथ और हॉलीवुड ये मिक्सचर में देखते रहता हूँ, क्योंकि उसमें फेक एक्टिंग नहीं होती। अपने बॉलीवुड में फेक एक्टिंग के बारे में तो आपको पता होगा,
कि जिस तरीके से बताना है उतना न बोलते हुए बहुत कुछ दिखा देते हो कि नहीं यार मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, पर फेक एक्टिंग साउथ में नहीं होती, रियलिस्टिक होता है और हॉलीवुड में भी, तो उसको उनको फॉलो करता हूँ मैं। और ख़ास करके मेरे पसंदीदा एक्टर है दिलीप कुमार साहब, अच्छा उनको सल्यूट है, उनको क्या बोलूँ मैं कि उनके जितने भी फिल्में मैं देखता हूँ या मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वाकई में उनके एक नाखून तक भी मैं पहुँच जाऊँ ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अदाकारी उनकी थी शायद ही कोई है। थोड़ा डिफ़िकल्ट करते हैं आपके लिए, कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा और वो कैरेक्टर आपको अगर बॉलीवुड के किसी एक्टर के जैसे निभाने रहे तो वो कौन सा एक्टर होगा? फॉर एग्जांपल रोमांटिक एक्टर आपको दिया किरदार तो किसको फॉलो करेंगे? एंग्री यंग मैन का बताया तो किसको फॉलो करेंगे? कॉमेडी करनी है तो किसको फॉलो करेंगे? तो ऐसे में कुछ एक्टर्स मतलब आपको सिचुएशन बताऊंगा कि आपका ऐसा ऐसा रोल है और आप किसको फॉलो करना चाहेंगे, किसके तरह से फॉलो करें। रोमांटिक रोल प्ले करना हो तो किसको ध्यान में रखकर करते हैं या करना चाहेंगे आप? फिर रोमांटिक देखा जाए तो आपने, मैंने कहा आपसे कि दिलीप कुमार साहब की कुछ फुटेज या कुछ सॉन्ग्स उनके देख लीजिए आप, कि उनको सभी फॉलो करते हैं, शाहरुख खान हाँ शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं और जितने भी कलाकार आए हैं उनको देखते हुए आए हैं, क्योंकि उनकी उनका जो अंदाज था देखने का, उनका अंदाज था कहने का, वो शायद ही कोई दूसरे कैरेक्टर में रहता होगा, तो मैं दिलीप कुमार साहब को चाहूँगा। कॉमेडी करनी रही तो फिर किसके जैसे कॉमेडी करना चाहेंगे या फिर किसको फॉलो करते हैं जनरली? बहुत बार लोग वर्कशॉप करते हैं तो थोड़ा घर से ही देख के चले जाते हैं कि ऐसा ऐसा रहेगा तो रोल ऐसा। कॉमेडी में महमूद साहब, महमूद साहब वाकई में उनके उनके जैसा या उनके समान शायद ही कोई फील्ड में हो अभी। राजपाल यादव नो डाउट बहुत अच्छे हैं, जॉनी लीवर साहब बहुत अच्छे हैं, पर महमूद साहब की कॉमेडी बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग वाकई में। अभी तो बेरा कर रहे हैं आप, तो बेरा में थोड़ा एंग्री यंग मैन का लुक है, थोड़ा गुस्से वाला इंसान है, तो फिर उस कैरेक्टर को करने के लिए कबीर सिंह देखी, सनी देओल को देखा, किसको फॉलो किया? फॉलो मैंने किया, वाकई में आपको बता दूँ, कच्चे धागे आपने राइट उसमें अजय देवगन का जो किरदार था उसको, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनका जो चीज़ थी कि मुझे डायलॉग नहीं बोलना है पर सिर्फ मैं देख लूँ आँखों से और चेहरे से पूरा, तो उसको मैंने फॉलो किया। पर कितना भी फॉलो करने के बाद में अपने अंदर जो चीज़ें होती है वो निकल ही जाती है, तो एक सपोर्टिंग के लिए वो कैरेक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं मुझे इस टाइप का या इस लेवल का मुझे एक्ट करना है, पर कितना भी कहने के बाद तो करना तो खुद को ही है ना। बिल्कुल, तो करके उसको सपोर्टिंग में रख के अपने को किरदार को आगे बढ़ाना है। शो के अंतिम पड़ाव में गिने चुने एक दो सवाल मैं पूछूंगा, थोड़े डिफिकल्ट होंगे। कई बार ऐसा होता है कि सेट पे शूटिंग करना ना थोड़ी मुश्किल होता है, हेजिटेशन होता है थोड़ा तो ऐसा कौन सा समय रहा कि आपको लगा यार थोड़ा टफ हो रहा है, ये जम नहीं रहा यार मेरे से, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, आप पे भी प्रेशर है, कैमरा लगा है, क्रू खड़ा है, प्रोड्यूसर का बजट भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, तो ऐसी कभी सिचुएशन आई इन चारों फिल्मों के दौरान कभी कि जब आपको लगा थोड़ा डिफिकल्ट है यार? अमूल जी आया है मुझे समकाल में एक सीन है, किसिंग सीन है, जिन्होंने ट्रेलर देखा होगा उनको मालूम होगा। जी जी, तो एक्चुअली वो करते समय कैसा मेरा पहला समय था, मैं फिल्में जब देखते थे बचपन से हम, तो हमको लगता था कि किसिंग सीन ऐसा ही रहता होगा, एक बार करना है, किस करने के बाद में ओके होता होगा तो कट होता होगा, पर हमने किस चालू किए तो 200-250 किसेस होने तक वो एक शॉट आया। अरे बाप रे, तो मेरे ये होठ है तो पूरे ऐसे सूज गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, अरे हंसने वाली बात है ये। और वाकई में लोगों को पता रहना चाहिए कि एक सीन को लेते समय क्या फील होता है, या सिर्फ किसिंग सीन की बात नहीं कि यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर दौड़ के एक सीन देना है, तो उसको एक बार हम स्क्रीन पे एक बार देखते हैं कि ये कैरेक्टर ने उतना दौड़ा है, पर वो एक बार दौड़ने के लिए उसको 100 बार दौड़ना पड़ता है, हर बार कभी पाव ले रहे, कभी एक्सप्रेशन ले रहे, कभी बॉडी ले रहे, कभी शोल्डर ले रहे। जी वही हेजिटेशन हो रहा था मुझे कि वो किसिंग सीन था तो एक फूल में, फिर वो नहीं आया बराबर, ये ऐसा नहीं हुआ। अभी प्रोफेशनली एक्टर कहने के बाद तो आपको ये सब करना, हाँ करना ही था, तो कहीं बाल नहीं उड़ रहे तो पंखा मार रहे तो ये नहीं हो रहा था, हम थक गए थे आखिरकार, मेरे को आर्टिस्ट रोल में थक गए कि यार हो क्या ना यार, 250 किसको कहा, अरे है ना, तो फिर एक शॉट आया तो रख दिया उसको। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सीन हो,
कि वो किसिंग सीन हो या फिर वो फाइट सीन हो या फिर रोने का सीन हो या हंसने का सीन हो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें दुनिया में। एंटरटेनमेंट के फ्लोर पे, एंटरटेनमेंट में सभी चीज़ें आ गई, रिदमिस्ट, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, ये सभी आ गई, पर सबसे टॉप पे है वो है एक्टिंग। थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, उसके आगे कुछ नहीं है। लिखना नॉर्मल है, सिंगिंग नॉर्मल है, बजाना नॉर्मल है, सभी चीज़ें नॉर्मल है, पर एक्टिंग करना ये टॉप पे है, उसके बाद, उसके ऊपर कुछ नहीं है, एक्टिंग के बाद सब नीचे है। तो जिसने एक्टिंग सीख लिया या जिसको एक्टिंग आती है वो जानता है कि एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट है। और हम सिर्फ 3 घंटे फिल्म देख के रिटर्न घर पे आ जाते हैं, पर वो 3 घंटे के लिए एक्टरों ने कितना मेहनत किया ये किसी को नहीं पता रहता। एक आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं प्रेम से पूछूंगा कि एक सपना होता है किसी के साथ, किसी के हाथ के नीचे या किसी के लिए काम करना, तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके लिए, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं भविष्य में, वो सपना पूरा हो जाए तो गंगा नहाने? ऑब्वियसली अमित जी, अमिताभ बच्चन के साथ में तो सभी का ख्वाब होता है कि इनके साथ में मैं काम कर लूँ, उनके साथ में एक सपोर्टिंग एक्टर छोटा सा भी मुझे रोल मिल जाए तो मुझे लगे कि वाकई में मैंने अचीव किया है कुछ। फिर बाद में तो काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं, पर अमित जी का बात ही कुछ और है कि उनके फिल्म में मुझे छोटा सा भी रोल मिल जाए तो मैं समझ जाऊँगा खुद को कि वाकई में मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। क्या बात है। तो हम दुआ करते हैं कि प्रेम जी का ये जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो और ज़रूर प्रेम जी को मौका मिले अमित जी के साथ काम करने का। आशा करते हैं आज का ये प्रोग्राम जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप GTPL पे देख रहे हैं तो ACN पर ये 97 पर देखता है, और अगर ACN पे देखता है देख रहे हैं तो GTPL पे चैनल नंबर 470 पर देखता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप आए हमारे साथ, इतनी सारी बातें की और बहुत सारी बातें इन्होंने की, और आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर बहुत बहुत मजा आएगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए VKB न्यूज। देसी कलाकार।